आज 28 अप्रैल को रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाई जाएगी। आज से लेकर 8 बजे से सब जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, शॉप्स हैं, सबको बंद करना पड़ेगा। और 9 बजे के बाद पूरे लोगों का मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। सब लोग अपने अपने घर पर रहे, लेकिन बहुत इसमें एग्जम्पशंस है जियो में, जैसे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, आईटी सर्विसेज और ई कॉमर्स को भी एग्जम्पशन है, पेट्रोल पंप्स को एग्जम्पशन है, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन को, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और जो प्रोडक्शन यूनिट्स जो है उसको भी एग्जम्पशन है। 9 बजे के बाद ये जो ऊपर दिए गए, ये इनके अलावा और सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, GHMC सभी को एग्जम्पशन है। सभी जो मेडिकल प्रोफेशन में है, डॉक्टर हो या नर्स हो, जो कोई भी काम हॉस्पिटल में कर रहे हो, उन सब के लिए एग्जम्पशन है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। और जो भी पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, उसको इसमें कोई पाबंदी नहीं है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन को भी कोई पाबंदी नहीं है, और जो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह जा रहे हैं उनको टिकट दिखानी पड़ेगी। सर 10 बजे है? 9 बजे नहीं, तरावी ख़त्म होते 10 बजे, तो उनके लिए क्या है? वो अलग बात है, जो मैं गवर्नमेंट का रेगुलेशन बोल रहा हूँ अभी, उसमें इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और जो रिलीजियस इवेंट्स जो है उनसे भी हमारी अपील है, जल्दी से जल्दी ख़त्म की जाए। ज़्यादातर हो सके तो 9 बजे तक ख़त्म करने की हमारी तरफ से सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को अपील। सर जैसे कि सैटरडे संडे फुल लॉकडाउन रहेगा बोलकर? नहीं, अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन।